A very very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of Etution family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our Etution family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 9 students, today we are going to start a very important and a new chapter. That is, why do we fall ill? Okay? देखो, आज का जो ज़माना है, right? COVID. है ना, कोरोना ने क्या किया है, हम सबको परेशान करके रखा हुआ है, राइट? सो इट्स अ डिजीज़. सो बेसिकली नॉट ओनली कोरोना, इस टाइम ड्यू टू बैड वेदर वी आर फॉलिंग इल, वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, हैविंग कोल्ड, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ हेल्थ, डिजीज़ क्या होता है और व्हाई डू वी सफर फ्रॉम दिस डिजीजेस. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आई होप यू आर इंटरेस्टेड. So what are the points we are going to discuss today? In today's class, we'll be discussing about health. What do we mean by health, right? And the factors affecting health, disease, and the different types of diseases, right? So first thing is, see, ये picture आपको दिख रहा है. What do you see in this picture? Because see, जैसे कि अभी लगातार बारिश हो रहा था, है ना? जिसके वजह से so many villages were affected due to this flood water, okay? नदियों में पानी भर के बाढ़ आ गई है, तो घरों के अंदर बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, राइट? सो ड्यू टू दिस देयर लाइफ हैव बीन अफेक्टेड, है ना? और बाढ़ के बाद आपको पता है बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं दैट वर वाटर बॉर्न डिजीजेस. वो वाटर को कंटामिनेट करती हैं, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, हर जगह पर बीमारियाँ फैली रहती हैं. लाइक कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? कॉलेरा, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मलेरिया, एमोबेसिस, टाइफॉइड, फैलिस, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो कि इस बाढ़ के बाद होता है, राइट? तो ये हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. सो नेचर आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सो बेसिकली हम अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, राइट? हेल्थ अगर बोले तो हम अपने फिजिकल बॉडी के बारे में सोचते हैं. फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. डू यू नो दैट कि हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन से रिलेटेड है. कैसे? देखो, अगर सेल अच्छे से काम ना करे, कैन द हार्ट फंक्शन? बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, राइट? अगर सेल ही सही से काम ना करे, अच्छे से डिवाइड ना करे, तो क्या हमारी हार्ट या फिर अदर बॉडी पार्ट्स काम कर सकेंगे? नो, राइट? ओके, लाइक दैट. सी हाउ द माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन अफेक्ट ब्रेन. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऑर्गन का फंक्शन दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड है. तो हमने यहाँ पे किडनी एक ऑर्गन लिया और एक ब्रेन ऑर्गन लिया. अगर किडनी सही से काम नहीं करेगी, सो द ब्रेन विल बी अफेक्टेड. हाउ विल बी दिस? सी, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, राइट? तो क्या होगा? किडनी का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी? येस, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? तो किडनी काम नहीं कर पा रही है, सो इट इज़ अनेबल टू एक्सक्रिएट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी. तो क्या होगा? हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रह जाएंगे ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या कर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना, स्टोर हो जाएंगे. सो उसके बाद क्या होगा? ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल ऑफ आवर बॉडी ना, तो उनको रिलीज करना चाहिए बॉडी से, बट किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग. सो लाइक दिस, अगर एक भी ऑर्गन फेल होता है कोई भी काम परफेक्टली करने से, तो फुल बॉडी विल बी अफेक्टेड. अंडरस्टूड? यस. नेक्स्ट इज, सी द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स आर सो वेल कनेक्टेड दैट इफ एनीथिंग ईदर फिजिकल और केमिकल स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ सेल, द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी विल बी अल्टर्ड. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि अगर किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, तो ब्रेन विल ऑल्सो स्टॉप फंक्शनिंग. लाइक दैट, हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इतनी यूनिटी है कि एक सेल, एक टिश्यू या फिर एक ऑर्गन इतने अच्छे से इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है, अगर किसी में भी थोड़ी सी भी कोई चेंजेस हुई, तो फुल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विल बी चेंज्ड. अंडरस्टूड? यस. नाउ थिंक, ओके, आपको एक सिचुएशन देते हैं. मान लो कि आपको खाना नहीं दिया गया सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, ओके? क्या होगा? योर बैटरी विल बी डाउन. नॉट बैटरी, योर एनर्जी, राइट? आपको खाने के लिए नहीं दिया, आपको टायर्ड फील होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट?
तो क्या होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी की लेवल कम हो जाएगी, यू विल फील टायर्ड, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील वीक, राइट एट द सेम टाइम। ठीक है, मैंने दूसरे किसी को बहुत सारा खाना दिया एंड व्हाट विल हैपन, उसने खाना खाया, पेट भर गया, एनर्जी इट गॉट एंड इट्स वेरी हैप्पी, राइट। तो देखो बच्चों, फूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो बेसिकली हेल्थ आपने सुना होगा, दिस टर्म वी यूज़ इन आवर डेली बेसिस, राइट। हेल्थ हमेशा बोल, अरे मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब है, हेल्थ तबीयत, मेरी तबीयत ख़राब है, राइट। सो माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो आपको बोर लग रहा, मतलब आप मेंटली फील नहीं करोगे, या फिर फिजिकली, फिजिकली राइट, आपको बुखार है, आपको सर्दी है, दैट इज़, और मेंटली क्या, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो इट्स ऑल्सो ए साइन ऑफ नॉट ए गुड हेल्थ। ओके, सो हेल्थ आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है हमने पढ़ा, मेंटल कैसे, यहाँ पे जो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द फिजिकल बॉडी ऑफ। सो माय डियर किड्स, हेल्थ इज देयर फॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल। हेल्थ क्या है कि आप अच्छे से फंक्शन करो, कौन से बेसिस पे, फिजिकली, ठीक है, आप फिजिकली अच्छे से बिहेव करोगे, फंक्शन करोगे, मेंटली भी आप रिलैक्स रहोगे, हैप्पी रहोगे, चेयरफुल रहोगे, और सोशली विद द सोसाइटी ऑल्सो यू विल बी ए हेल्दी, यू विल बी इन ए हेल्दी रिलेशनशिप, तभी आपको हेल्दी पर्सन माना जाएगा। नॉट कि आप मोटे हो, मसल्स है, यू आर हेल्दी, नॉट लाइक दैट, फिजिकली मेंटली एंड सोशली यू विल हैव टू बी हेल्दी। सो वॉट डज दिस मीन, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, देखो एक होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल क्या होता है, यू हैव टू फिजिकली, यू हैव टू स्टे फिट ना, फिजिकली आप हेल्दी रहोगे, कैसे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेंटली आपके मतलब क्या, आप हमेशा चीयरफुल रहोगे, हैप्पी रहोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सोशली क्या होगा, आपके आसपास के लोगों के साथ यू विल फील फ्री टू एक्सचेंज योर इमोशंस, राइट, आप अपनी भावनाओं को अच्छे से पकड़ कर सको, शेयर कर सको सारी बातें, आप सोशली भी हेल्दी रहो। सो फैक्टर्स एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग ऑफ बोथ पर्सन एंड कम्युनिटी क्या क्या है, पहला तो क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे कि हमने देख लिया, देन गुड सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, पब्लिक क्लीनलीनेस भी ज़रूरी है, हाइजीनिक फूड चाहिए, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लिविंग, राइट। नेक्स्ट कम्स, सो फिजिकल एनवायरनमेंट, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। देखिए हम यहाँ पे टू सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, एक है जहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया गया है, तो आपको वहाँ पे मास्क लगा के जाना पड़ेगा, देर आर सो मेनी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ड्रेन से ड्रेनेज ओवरलैपिंग हो रहा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वहाँ पे बीमारियाँ होने के चांसेस है, राइट। बट इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, वहाँ पे वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जा रहा है, दे आर इको फ्रेंडली, राइट। तो कहाँ पे, एट विच सिचुएशन द ह्यूमन विल बी हैप्पी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी हैप्पी, ऑब्वियसली इन द क्लीन एनवायरनमेंट। सो फिजिकल एनवायरनमेंट भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लीव अ हेल्दी लाइफ, अंडरस्टूड, यस। नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज को आप कैसे प्रिवेंट करोगे, फाइव रूल्स। फर्स्ट इज सेफ वाटर, बेटर सैनिटेशन, अच्छे से साफ सुथरा रहना है, पर्सनल हाइजीन एंड किचन मैनेजमेंट, किचन में जहाँ पे खाना बनता है, द फूड शुड बी फ्री फ्रॉम दीज माइक्रोब्स, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे को अच्छे से डिस्पोज करना है, आफ्टर दैट यू कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। सो नेक्स्ट कम्स सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्या है माय डियर किड्स, पब्लिक क्लीनलीनेस, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एवरी हाउस इज हैविंग सम वेस्ट प्रोडक्ट, अगर उसका हम इधर उधर फेंक देंगे, विल दैट बी गुड फॉर अस, नो, राइट। सो वी द सोसाइटी पीपल विल कम टूगेदर एंड वी विल पार्टिसिपेट इन पब्लिक क्लीनलीनेस, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वी विल कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ओके, फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इंडिविजुअल हेल्थ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट वन इज मेंटल स्टेट, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंटली हेल्दी मतलब क्या है, आपको हैप्पी रहना है। इफ़ वी मिस्ट्रीट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से ही मन में क्या
गुस्सा आएगा, एक दूसरे को अच्छे तरह से बिहेव नहीं करेंगे, एक दूसरे से डरेंगे, तो हम हैप्पी कैसे रहेंगे? वी विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई मेंटल स्टेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर बीइंग हेल्दी. सो नाउ व्हाट इज डिजीज? हम हमेशा बोलते हैं मुझे ये बीमारी है. सो बीमारी क्या है? व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज ए नेगेटिव चेंज इन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी में वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट? सो दिस सिस्टम, उनमें से अगर वन और मोर सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, नेगेटिवली चेंज हो रहा है, सो इट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज. ओके, एबनॉर्मल कंडीशन. सो डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बींग अनकम्फर्टेबल. डिस ईज यानी कि डिसकम्फर्ट. ओके, सो डिसकम्फर्ट ईजीली मतलब हम कम्फर्ट में नहीं है, अनकम्फर्टेबल है. लाइक आप हेल्दी हो, आप स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, मान लो आपकी तबीयत खराब है, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, पढ़ाई में मन लगेगा? नो, आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा, आप अच्छे से नहीं बैठ पाओगे, नाक क्या है, नाक में दर्द होगा, सर में दर्द होगा. सो आप यहाँ पे डिसकम्फर्ट में हो, अनकम्फर्टेबल हो, सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डिजीज. अंडरस्टूड? यस. नाउ सो डिजीज होने से पहले आपको कैसे पता चलता है यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज? यू हैव सर्टन सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बॉडी में कोई भी चीज़ अगर रॉन्ग होती है, माल फंक्शन करती है, तो वी फील दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज. सो जो साइन होते हैं, नॉट साइन, कि आपको क्या फील होता है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स? रनी नोज, हेडेक होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. सो दीज आर द सिम्टम्स जिसको देख के आप पता लगा सकते हो, अच्छा इसी के वजह से मुझे ये डिजीज हो सकता है, राइट? सो इट इज़ जनरल एंड डजंट टेल मच अबाउट स्पेसिफिक डिजीज. लाइक ठीक है, तो मान लो कि हेडेक. ओके, हेडेक सर्दी में भी हेडेक होता है, फीवर में भी हेडेक होता है, तो ये कॉमन हो सकता है. कुछ सिम्टम्स डिफरेंट टाइप के डिजीज के लिए कॉमन हो सकते हैं. ओके, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते कि हेडेक हो रहा है, हमें नहीं पता चला कि फीवर की वजह से हो रहा है, क्या एसिडिटी की वजह से हो रहा है, या माइग्रेन की वजह से, आपको नहीं पता चला. लेकिन ये सिम्टम्स जो हैं जनरल होते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे उल्टी हो रहा है, सर चकरा रहा है, ओके, स्वेटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टोमक एक हो रहा है. सो ये सारे सिम्टम्स हैं. स्टोमक एक किसके वजह से? ज़्यादा खाने की वजह से हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कहीं पे चोट लगी उसकी वजह से. सो कैसे पता चलेगा? दीज आर द सिम्टम्स जो कि कॉमन है कुछ चीज़ों के लिए. सो इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा डिजीज होने के चांसेस है, राइट? नेक्स्ट आता है साइंस. साइंस क्या होते हैं? साइंस ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. तो सिम्टम्स आ गए, तो सिम्टम्स को देखे डॉक्टर और आपको पूछेगा कि आपके पास में ये हो रहे हैं क्या. साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर. तो सिम्टम्स को देखे डॉक्टर और ज़्यादा झाँकते हैं, ताका झाकी करते हैं कि इज देयर एनी अदर साइंस. उसको देख के डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर देयर, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज. सो डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस. सो जो डिजीज, ठीक है, जो बीमारी थोड़े कम टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज. लाइक कॉमन कोल्ड, फीवर, आपको थोड़ी दिन में होने के बाद ठीक हो जाता है, राइट? नेक्स्ट इज डिजीज विच कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और इवन लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज. और ऐसे डिजीज जो बहुत देर के लिए रहे या तो फिर आपके लाइफ टाइम के लिए रहे, जैसे डायबिटीज मान लो, ओके, हार्ट डिजीज मान लो, ये क्रॉनिक होते हैं, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं. अंडरस्टूड? यस. सो जैसे कि फीवर, दो तीन दिन, विद इन ए वीक आप मेडिसिन खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, राइट? लेकिन मान लो कि किसी को हार्ट डिजीज है, उसको क्या प्रॉपर मेडिकेशन में थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसे रहना पड़ेगा. सो जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज, एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक डिजीज एंड पोअर हेल्थ. अच्छा बच्चों बताओ, क्रॉनिक डिजीज क्यों ज़्यादा, क्या हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्यों हमारे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? बिकॉज
यस, क्रोनिक डिजीज स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ज़्यादा देर के लिए अगर ये डिजीज रहता है हमारी बॉडी में तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करवाएगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, राइट. तो इसीलिए दे आर मोर डेंजरस. नेक्स्ट इज एक्यूट डिजीज. ओके, एक्यूट डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक कॉमन कोल्ड. जैसे कॉमन कोल्ड होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्यूट डिजीजेस होते हैं. देन कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. ओके, जो भी होगा इसे शॉर्ट पीरियड में आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं. फीलिंग टायर्डनेस डज नॉट ऑकर ऑल द टाइम. आपको हर टाइम में टायर्डनेस फील नहीं होगा. वेट लॉस नहीं होता है जनरली, क्योंकि ये कम टाइम के लिए होता है. और आपको क्या, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती. एक्यूट डिजीज डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. एट द सेम टाइम कौन है हमारा क्रोनिक डिजीज, वो कैसे डिफरेंट है. सी, द लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन लाइफ टाइम. जैसे एलिफेंटियासिस या फिर हम जो फाइलेरियासिस बोलते हैं, ये क्या करता है, लॉन्ग टाइम के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए भी रहता है. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट. देखो, जैसे कि हमारे एक्यूट डिजीज में क्या, जो शॉर्ट पीरियड में ही आपको इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे 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 इफेक्ट दिखाता है हमारे हेल्थ के ऊपर. और इसमें क्या, हर टाइम में टायर्ड फील होता है, वेट लॉस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है. और ये क्या, बहुत ही डेंजरस इफेक्ट डालता है और बहुत देर के लिए इफेक्ट रहता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. सो माई डियर किड्स, डू यू नो हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल वेल्थ वी हैव. सो हेल्थ इज लाइक मनी, वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लूज इट. सो हेल्थ क्या है, जैसे कि पैसा देखा है, पैसा जब आपके पास हो ना, आप उसकी कदर नहीं करते हो. नॉट ओनली मनी, कोई भी चीज़ जब तक वो आपके पास है, यू डू नॉट फील इट्स ट्रू वैल्यू. आप उसकी सच जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, आप उसको महसूस नहीं कर सकते. वंस इट इज़ लॉस्ट, कोई भी चीज़, पैसा अगर आपसे दूर चला जाए या फिर खो जाए, तभी आपको उसकी कदर होती है. लाइक दैट, जब तक आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, यू आर फीलिंग यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. जब आपकी तबीयत खराब होती है, तब आपको फील होता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी इन दिस कोविड टाइम, राइट, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो माई डियर किड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, बी ए पार्ट ऑफ आवर ई ट्यूशन फैमिली. डोंट फॉरगेट टू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन, stay safe, stay happy, and thank you.